नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आज हम सबके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि रोजगार सेतु पोर्टल का लॉन्च हो चुका है। तो आज हम सीखेंगे कि रोजगार सेतु पोर्टल में कोई व्यक्ति, कोई श्रमिक रोजगार कैसे प्राप्त करे, और जो नियोक्ता है, जो कंपनी है, उद्योग वाले हैं, वो अपना पंजीयन किस प्रकार करें। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, इस तरह से दिखेगा रोजगार सेतु पोर्टल। आप यहाँ भी देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट सीधे है sambalsambal.mp.gov.in /rozgar-setu-default.aspx। तो इस तरह से दिखेगी आपको वेबसाइट, ये रोजगार सेतु पोर्टल इस तरह से दिखेगा आपको। तो देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं, पूरे इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं सभी, और इसमें आप स्क्रॉल करेंगे इसको तो नीचे सभी जानकारी देख सकते हैं। ये देखिए पूरी डिटेल दे रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले हम आते हैं कि श्रमिक रोजगार के अंतर्गत अपना पंजीयन कैसे देखें, कि पंजीयन क्या क्या हुआ है अपना, वो देखना किस प्रकार से है वो देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि नियोक्ता अपना पंजीयन किस प्रकार करे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए इससे नीचे आइएगा आप, तो यहाँ दिखेगा आपका श्रमिक अपने पंजीयन की स्थिति जाने। ये दिख रहा है श्रमिक अपने पंजीयन की स्थिति जाने। तो प्रवासी श्रमिक के लिए स्पेशल है, तो श्रमिक अपने पंजीयन की स्थिति जाने, या हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पोर्टल खुल के जाएगा, ये पेज जाएगा आपके सामने, प्रवासी श्रमिक की जानकारी खोजें। अब देखिए सर्च बाई, आप अपने मोबाइल नंबर के द्वारा, अपनी समग्र आईडी के द्वारा, या अपनी बैंक खाता नंबर द्वारा, किसी के द्वारा भी अपनी जानकारी देख सकते हैं कि हम रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं, हमारा पंजीयन हुआ है या नहीं। मान लीजिए आपने मोबाइल नंबर पर क्लिक किया तो यहाँ लिखा आएगा प्लीज़ एंटर वेरी 10 डिजिट मोबाइल नंबर। तो ओके पर हम क्लिक करेंगे, या 10 डिजिट जो भी हमारा मोबाइल नंबर वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ ये चार चीजें डालेंगे, ये कैप्चा कोड जो है ये डालेंगे, और खोजे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही खोजे पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्क्रीन आ जाएगी, यदि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है तो पूरा हमारी डिटेल आ जाएगी। तो हम उससे देख सकते हैं कि हमारी ये जानकारी है प्रवासी श्रमिक, मतलब हमारी ये जानकारी इसमें ऑनलाइन फीड है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अभी होम पेज पे आते हैं और इसके आगे समझते हैं। तो देखिए जैसे हम होम पेज पे आते हैं तो यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है रोजगार सेतु पोर्टल पूर्णतः निःशुल्क है। रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को मध्य प्रदेश में ही स्थायी काम, स्थानीय कारखानों, निर्माण कार्यों, व्यावसायिक संस्थानों में आसानी से एवं निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। रोजगार सेतु पोर्टल पर सभी सेवाएं निःशुल्क हैं एवं इनका अधिक से अधिक लाभ लें। यदि पोर्टल के माध्यम से आपसे संपर्क करने वाला नियोक्ता काम, रोजगार या नौकरी देने के एवज में किसी प्रकार की राशि की मांग करे तो उसकी सूचना तत्काल सचिव ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत को दे, आदेश अनुसार श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन। तो ये आप बिल्कुल जो सूचना है, इंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ क्रॉस पे क्लिक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आज हम चलिए इसमें सीखते हैं कि जो नियोक्ता है, नियोक्ता सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बृहद उद्योग, मतलब MSME, कारखाना, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, संस्थाएं, ठेकेदार, बिल्डर, भवन निर्माता, दुकान, मॉल, प्लेसमेंट एजेंसी का पंजीयन करें। तो यहाँ क्लिक करेंगे हम, जैसे देखिए यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये फॉर्म आ रहा है, रोजगार देने वाले संस्थान, कारखाने, ठेकेदार, ध्यान दें। ये पूरी इंस्ट्रक्शन है, आप पूरे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे, नियोक्ता उद्योग, कारखाना, संस्थान, ठेकेदार, प्लेसमेंट एजेंसी का पंजीयन करें। ये देखिए यहाँ क्लिक किया मैंने तो यहाँ आ गया रजिस्टर एम्प्लॉयर्स डिटेल, मतलब रोजगार देने वाले की यहाँ डिटेल, जिस भी कंपनी, कारखाने वाले हमारे बंधु हैं उन्हें पंजीयन किस प्रकार करना है वो यहाँ देखना है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है फुल नेम ऑफ फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ बिल्कुल ये जो फॉर्म है आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, ये केवल जो रोजगार देने वाले हैं, कंपनी है, कारखाने हैं, उद्योग है, MSME है, छोटे सूक्ष्म उद्योग, जो भी रोजगार देने वाली अपने यहाँ संस्थाएं हैं, कारखाने हैं, उद्योग हैं, वो बंधु यहाँ हमारा अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनकी जानकारी फिल करेंगे। जब जानकारी यहाँ फिल रहेगी तभी तो कोई भी प्रवासी श्रमिक रोजगार देख सकेगा। इसलिए हर जगह की यहाँ जानकारी, हर उद्योग कारखाने की यहाँ जानकारी फीड रहेगी, उसके बाद ही श्रमिक अपने लिए उपयुक्त रोजगार का चयन
चयन कर सकेगा। तो देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स, किसी कारखाने या कंपनी या एमएसएमई को अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो फुल नेम ऑफ फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ फुल नेम लिख दीजिए अपने कंपनी का, जो भी कंपनी का नाम है, उद्योग का नाम है, एमएसएमई का नाम है, यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट एड्रेस, आप कंपनी या उद्योग का जो एड्रेस है वो कहाँ है, किस शहर में है, वो यहाँ लिख दीजिए, जिस भी जिले में है, पूरा एक्यूरेट एड्रेस लिख दीजिए। आप देखिए, देख लीजिए यहाँ लिखा रहा है एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट पर, ये देखिए ये क्लिक करा तो यहाँ लिखा गया बृहद उद्योग, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, एमएसएमई, ठेकेदार, बिल्डर्स, सप्लायर, प्लेसमेंट एजेंसीज, अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, अन्य नियोजक, इनमें जिसमें भी आप आ रहे हैं। मान लीजिए आप एमएसएमई के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए बहुत सारी आपको कैटेगरी आ जाएगी। ये देखिए कैटेगरी में आ जाएगी एमएसएमई के अंतर्गत जो कैटेगरी आती है, जैसे मैन्युफैक्चरर या सप्लायर क्या है आप, जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। फिर प्रोडक्ट नेम, आपका प्रोडक्ट नेम, आप किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो लिख देंगे यहाँ। उसके बाद अवेलेबल स्टॉक कितना है आपके पास, जो आप उत्पादन कर रहे हैं उसका, आप उत्पादन आपका स्टॉक कितना है वो लिख देंगे। उसके बाद वीकली प्रोडक्शन नंबर ऑब्लिक केजी, वीकली प्रोडक्शन लिख देंगे, मतलब सप्ताह में आप कितना इसका उत्पादन कर रहे हैं, तो वो या तो नंबर में लिख दिए, संख्या में हो सकता है या किलोग्राम में होता हो सकता है, केजी में। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट सेक्टर, अब यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, शॉप, थिएटर्स ऑफ, प्लेस ऑफ एम्यूजमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, सिविल रोड वर्क्स, जो भी आपका, जिसमें भी आप आ रहे हो, आपकी कंपनी, आपका उद्योग, आपका एमएसएमई, जिस चीज़ में भी आ रहा है, ऑटोमोबाइल में आ रहा है, जिसमें भी आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर देंगे। रेस्टोरेंट का भी है, सभी चीज़ों में आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं जिसके अंतर्गत आपका आ रहा। मान लीजिए ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट सब सेक्टर, उसके जो सेक्टर आपने क्लिक किया उसका सब सेक्टर जो रहेगा उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ऑटोमोबाइल तो आप क्या करते हैं, मोटर व्हीकल्स, ट्रेलर से सेमी ट्रेलर या अदर ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल कंपोनेंट इक्विपमेंट, जिस पे आप आते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी है इसमें आप जिसके अंतर्गत आते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे, और फिर उसी के साथ आप कैटेगरी आएगी आपकी, फिर प्रोडक्ट नेम आएगा, अवेलेबल स्टॉक आएगा, वीकली प्रोडक्शन आएगा, और फिर इस्टेब्लिशमेंट सेक्टर, सेक्टर आएगा आप किस सेक्टर में काम करें, आप जिस भी सेक्टर में आपकी कंपनी है, आपके एमएससी में आपका उद्योग है, आप उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सब सेक्टर आएगा, उसके अंतर्गत आप कौन कौन से चीज़ें करते हैं, उत्पादन करते हैं, जो भी करते हैं आप सप्लाई, वो यहाँ दिखने लगेगी आपको। इसके पश्चात आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कोई सा भी स्टेट सेलेक्ट किया, जैसे अभी यहाँ मध्य प्रदेश मैंने सेलेक्ट किया। ये देखिए मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया, इसका डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट में आप कोई सा सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने भोपाल सेलेक्ट किया, ये देखिए भोपाल, पिन कोड डालेंगे वहाँ का, फिर आपके कंपनी का या उद्योग का या एमएसएमई का टेलीफोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपकी कंपनी का, ये आप यहाँ फिट करेंगे। आपका यदि वेबसाइट बनी हुई है तो यहाँ वेबसाइट का यूआरएल आपको लिखना है, ये कंपलसरी नहीं है वेबसाइट का लिखना, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद व्हाट इज़ द करेंट स्टेटस ऑफ योर यूनिट, आपका यूनिट की जो बनी हुई है कारखाना उद्योग है वो क्या है, ओपन है, खुला हुआ है, क्लोज है, बंद है या पार्शली ओपन, मतलब आंशिक रूप से खुला हुआ है, ये आप इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया। अब ओनर मैनेजर डिटेल्स, अब यहाँ क्या होगा, जो मैनेजर ओनर नेम, मालिक का नाम आएगा, एंटर ओनर नेम, मैनेजर नेम आएगा, कंपनी के मैनेजर का नेम, उद्योग के मैनेजर का नेम, एमएसएमई के मैनेजर का नेम, मैनेजर का मोबाइल नंबर और मैनेजर की ईमेल आईडी। इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड डालना है, ये आप जैसे ही डालेंगे इसके बाद आप रजिस्टर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंपनी, उद्योग, एमएसएमई, आप जिसके भी अंतर्गत आपकी ये कंपनी, उद्योग, काम, कारखाने काम कर रहे हैं वो यहाँ रजिस्टर हो जाएगा। इसके पश्चात क्या होगा, आप अभी आम जनता के लिए भी ऑप्शन खुल जाएगा, या आप भी देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो भी अपनी जानकारी दे सकते हैं, और आम नागरिक जो श्रमिक रोजगार प्राप्त करना चाहता है वो भी जानकारी देख सकता है। कैसे, ये देखिए एमएसएमई नियोक्ता, यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ आ रहा है,
लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एमएसएमई प्रोडक्ट वाइज फॉर्म वन, प्रोडक्ट वाइज फॉर्म वन, और दूसरा लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एमएसएमई फॉर्म टू। तो हम पहले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सामने देखेंगे, देखिए यहाँ आ रहा है जिला, आप जिला भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ देखिए पूरा आ रहा है नीमच जिला, राजगढ़ जिला, इंदौर, धार। अब देखिए यहाँ देखेंगे तो यहाँ पहला आ रहा है सीरियल नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, फिर एड्रेस, ये उद्योग इनका नेम है एमएसएमई का, एड्रेस आ रहा है, और यहाँ ईमेल आ रहा है, ओनर नेम मालिक का नाम आ रहा है, पर्सन जिससे कॉन्टेक्ट करना वो आ रहा है, कॉन्टेक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर आ रहा है, और किस कैटेगरी में वो आ रहा है। ऐसे देखिए यहाँ प्रोडक्ट नेम भी आ रहा है, जैसे पूर्ण हार, ये सब पूरा डिटेल आ रही है देखिए हर उसमें, मेटल कटिंग, इंडस्ट्रियल वॉल्स, ये सब। तो यहाँ जो अपने मतलब वो ओनर है अपने कंपनी के या एमएसएमई या कारखाना उद्योग जिसके, वो भी अपनी डिटेल दे सकते हैं, और आम व्यक्ति भी दे सकता है। जैसे आम जो श्रमिक चाहता है अपना रोजगार प्राप्त करना, वो यहाँ डिटेल देख के यदि उसे लग रहा है कि यार मुझे पूर्ण आहार में काम करना है, या फिर कॉटन वाले में काम करना है, कपड़े की दुकान, इंडस्ट्रियल वॉल्स में करना है, मेटल कटिंग में करना है, तो यहाँ देख के और संपर्क भी कर सकता है इस मोबाइल नंबर पर। जैसे ये मोबाइल नंबर जो लिखे हुए हैं तो यहाँ संपर्क भी कर सकता है। ऐसे हर जिले की पूरी पूरी जानकारी देखिए, यहाँ बहुत सारे जिले दिए हैं, होशंगाबाद, मुरैना, सभी पूरे मध्य प्रदेश के जिले हैं जहाँ रोजगार आपको मिल सकता है, और यहाँ पूरी डिटेल भी लिखी हुई है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, सारी किस चीज का है वो भी दिख रहा है, फेब्रिकेशन वर्क है वो दिख रहा है, सभी चीजें दिख रही है, सेव नमकीन की दुकान है तो वो भी दिख रहा है, पूरा चीजें दिख रही है। तो आप इस तरह से पूरी चीजें देख सकते हैं यहाँ से। ऐसे ही देखिए यहाँ यदि चाहे पर्टिकुलर जिले में आपको ढूंढना है तो आप किसी पर्टिकुलर जिले में ढूंढ सकते हैं। जैसे धार पे क्लिक किया और जनरेट लिस्ट, तो केवल ये धार जिले में जो है, ये देखिए धार जिले में जो जानकारी है वो आपको दिखने लगेंगी। देख लिए सब दिख रहा है आपको, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ये वीकली प्रोडक्शन, अवेलेबल स्टॉक कितना है, सब चीजें दिख रही हैं। तो ये आप पर्टिकुलर जिले से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ जाते हैं और सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एमएसएमई फॉर्म टू। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए वही जानकारी दिख रही है। तो ये दोनों ऑप्शन से आप पूरी जानकारी देख सकते हैं, और यहाँ जिले से पर्टिकुलर जिले को सेलेक्ट करके भी आप जानकारी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं नियोक्ता पंजीयन प्रगति, ये प्रगति देख सकते हैं आप नियोक्ता की, मतलब जो रोजगार देने वाले बंधु हैं, जो कारखाने हैं, उद्योग हैं, एमएसएमई है, यहाँ उनकी प्रगति देख सकते हैं। देखिए नियोक्ता पंजीयन प्रगति पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ जैसे क्लिक किया देखिए हर जिले वाइज आ रहा है, जिला कुल पंजीकृत नियोक्ता कितने बृहद उद्योग हैं, सूक्ष्म लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, ठेकेदार, बिल्डर्स, ये सब एक आंकड़े वाइज आप यहाँ देख सकते हैं। इसी प्रकार पंजीकृत नियोक्ताओं की सूची देख सकते हैं, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट किट के आपको पर्टिकुलर किसी ठेकेदार किसी उसमें चाहिए, सब बृहद बड़े उद्योग में चाहिए, सूक्ष्म लघु उद्योग में, मध्यम उद्योग में, तो आप इस पर क्लिक करके लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एम्प्लॉय देख सकते हैं। आप जैसे सिंपल आप चाहते हैं कि ये वाले चाहिए मुझे, ठेकेदारी चाहिए इस कैटेगरी में, इनके अंतर्गत ही काम करना है, तो ये बिल्कुल पर्टिकुलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस पे आप सेलेक्ट करेंगे वो आपको दिख जाएगा। मान लीजिए सप्लायर ही चाहिए तो सप्लायर ही पूरे दिखेंगे आपको, जैसे आप क्लिक करें देखिए पूरे सप्लायर दिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे और आपको ढूंढने में, नौकरी ढूंढने में, रोजगार ढूंढने में और सरलता होगी, और ऐसे ही आप जिलेवार पंजीकृत नियुक्तियों की सांख्यिकी स्थिति भी यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं मनरेगा में नियोजन, ये देखिए यदि आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत नियोजित प्रवासी श्रमिक में आपका नाम है या नहीं, जहाँ आपका धारक प्रवासी श्रमिकों की संख्या जिलावार। देखिए पहले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका मनरेगा में नियोजन हुआ है या नहीं, ठीक है। आप मनरेगा में यदि काम करना चाहते हैं, ग्रामीण निवासी हैं, तो आप यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक पोर्टल है, आप इससे देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं। ये हिदराई डैशबोर्ड दिख रहा है, इस पे आपकी 9 अंकों की समग्र आईडी क्लिक करके आप यहाँ पर डैशबोर्ड देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे ऑप्शन है जॉब कार्ड धारक प्रवासी श्रमिकों की संख्या जिलावार, यहाँ से आप संख्या भी देख सकते हैं, ये देखिए हर जिले में प्रवासी श्रमिकों की संख्या और ये कितनी संख्या, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइए जरूर, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मुझसे पूछिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको आगे भी एक जो भी रोजगार संबंधित या आपको पंचायत संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए होगी वो आपको
मिलती रहेगी, लेटेस्ट आप अपडेटेड रहेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो आप सभी ने आज सीख लिया कि कैसे हमें नियोक्ता जो है, उद्योग हैं, कारखाने, संस्थाएं, ठेकेदार, प्लेसमेंट एजेंसी हैं, वो अपना पंजीयन किस प्रकार करें। और हमने देख लिया कि जब जो पंजीकृत उद्योग, कारखाने, संस्थाएं हैं, ठेकेदार हैं, प्लेसमेंट एजेंसी हैं, उनके अंतर्गत कोई भी श्रमिक अब रोजगार कैसे सर्च करें और कैसे संपर्क करें, मोबाइल नंबर, एड्रेस सभी की जानकारी यहाँ है नियोक्ता की। तो कोई भी श्रमिक कैसे किसी भी उद्योग, नियोक्ता, कारखाना, संस्थाएं, ठेकेदार, प्लेसमेंट एजेंसी से संपर्क कर रोजगार प्राप्त करें। अब हम देखने जा रहे हैं कि कोई भी कंपनी या नियोक्ता, उद्योग, कारखाने, संस्थाएं, ठेकेदार, प्लेसमेंट एजेंसी, ये सब अपने पंजीयन तो कर दिए, अब लॉगिन करके लॉगिन कैसे करें। और लॉगिन करने के बाद फिर जिस भी व्यक्ति ने संपर्क किया है रोजगार के लिए, उसका मैनेजमेंट कैसे करें, उसको कैसे पंजीयन करें कि अपने कंपनी के अंदर इतने हमने रोजगार प्राप्त करने के लिए श्रमिकों का पंजीयन कर दिया है, वो हम समझते हैं। इसके पहले आप दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यहाँ सब्सक्राइब की बटन रहती है, इस पर क्लिक जरूर कीजिए, ये पूर्णतः निःशुल्क रहता है, इससे आपको हर नए प्रत्येक वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम सीखते हैं, नियोक्ता जो पंजीयन तो कर दिया, अब लॉगिन कैसे करें, ये हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका पंजीयन यहाँ कर चुके हैं उद्योग, कारखाना पंजीयन करें, यदि नहीं किया है तो भी आप यहाँ से फिर से आपका पंजीयन कर सकते हैं यदि नहीं किया है तो। तो जैसे ही पंजीयन करेंगे तो आपको एक यूज़र नेम मिलेगा, ठीक है। यूज़र नेम के बाद पासवर्ड यदि आपको प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे, पासवर्ड रिसेट करने के लिए पोर्टल पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पिन प्राप्त करें, आप इस पर क्लिक कर देंगे ऑप्शन पर, सेकंड वाले पे पासवर्ड के लिए। तो आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ये ऑप्शन खुल के आपके सामने आ जाएगा, प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू रिक्वेस्ट पासवर्ड रिकवरी पिन। यहाँ आप यूज़र नेम आपका लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर लिखेंगे और ये कैप्चा कोड दबाएंगे, तो रिक्वेस्ट पिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक पिन प्राप्त होगा। आप जैसे ही पिन प्राप्त होता है उसके बाद आप क्या करेंगे, ये येलो कलर में जो दिख रहा है यहाँ क्लिक करें, आप इस पर क्लिक करेंगे पासवर्ड प्राप्त रिसेट करने के लिए। फिर यहाँ यूज़र नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 6 डिजिट का पिन प्राप्त होगा आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, तो यहाँ आप पिन लिखेंगे और यहाँ ये कैप्चा कोड लिखें, इसके बाद वैलिड पिन एंड रिसेट पासवर्ड, यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पासवर्ड रिसेट करने के लिए आपके पास आ जाएगा और पासवर्ड आप नया बना सकते हैं। तो इस तरह कोई भी उद्योग, कारखाना, एमएसएमई कोई भी अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद वापस हम रोजगार सेतु पोर्टल के लॉगिन पर जाएंगे। इस आपको इस तरह से पहले दिख रहा था, तो आपका पासवर्ड रिसेट हो चुका है, आपका पंजीयन हो चुका है, तो अब आप यहाँ आपका यूज़र नेम लिखेंगे, इसके पश्चात आपका पासवर्ड जो आपने अभी बनाया वो लिखेंगे और फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे यहाँ पर। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने जो भी श्रमिक हैं आपके अंतर्गत रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं उनका आप पूरा यहाँ से मैनेजमेंट कर सकते हैं, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। आप कोई भी दिक्कत आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप बेहिचक पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे आपको नए वीडियो की प्रत्येक जानकारी मिलती रहे, लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, और आपको पता ही कि सब्सक्राइब करना पूर्णतः निःशुल्क है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।